माइक्रो फैब फिर इधर आ तो रहा है क्या चाहते क्या हो हाँ मतलब आपको अगर स्टार्टिंग करना है या दूध हर जगह सस्ता होगा ये लेक्चर सुन ओ लेक्चर रूम ये अच्छा है इंटरकनेक्टेड अरे बढ़िया ऊपर घर रहते अरे अभी हम लोग लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं मैं कह देता हूँ और ये रहता है ये इट्स कॉस्टली है 800 यूरोस ये नहीं हो ये बोल रहे थे क्या गो शेयरिंग मूवी हॉल है इसमें मूवी हॉल नहीं ज्वार्ता दोस्त है मतलब अच्छा वही है मतलब डच वाला मूवी है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिटरली होता है ब्लैक बॉक्स कुछ भी हो सकता है उसके अंदर वही कोई ड्रोन उड़ा रहा है पकड़ के ला सच में बट ये शायद हवा में ये हो रहा है हाँ थोड़ा ये हो रहा है बट ये वो खुद बनाया होगा शायद वैसे लग रहा है क्योंकि नहीं मैं अगर डीजे लाता यहाँ पे होता है वो देख रहा है इसमें वो वीआर वाला है देख रहा है क्योंकि वही लिखा था नेट में लिखा था कि अच्छा होता कि डीजे अभी नेक्स्ट टाइम मैं डीजे लेके आऊँगा यहाँ पे इधर का पीछे जा सकता हूँ क्योंकि वो स्टेशन है उधर से अच्छा व्यू आएगा शायद इधर से फिर इधर आ तो रहा है क्या चाहते क्या हाँ मतलब आपको अगर स्टार्टिंग करना है ये अच्छा पॉइंट है स्टार्टिंग हाँ 70 अरे बहुत सही है इसमें वीडियो बनाया था गोप्रो से भी बेटर आ रहा है वीडियो मेरे पास भी 1+6 है मेरा 1+7 कैसा फील आता है 70 90 हर्ट्ज वाला ना हाँ हाँ पता ही चला देख लैग नहीं हो रहा मतलब वो स्मूथनेस नहीं आ रहा लैग नहीं हो रहा यार अभी मेरा फोन अभी इसको देख के वो MI वाला क्या निकाला 120 हर्ज का कुछ अभी नया रिलीज इको फ्रेंडली बिल्डिंग के क्लेम करता है ये वाला यहां पे सब ऑटोमेटिक होता है मन मर्जी ये डाल देते हैं इसमें कभी कभी वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मन मर्जी ओ मतलब ये वाले लाइट कंट्रोल अंदर भी जाते हैं इसमें मच्छी तैरते हुए मिलते हैं अरे स्विमिंग करेंगे और ये नहीं होता ग्रीन ग्रीन जो जम जाता है समर के टाइम कभी कभी बारिश नहीं होता है वो क्या ऐसा नहीं होता है यहाँ पे नहीं वैसा नहीं होता क्योंकि वो कैनाल्स में हो जाता है सारा डर एम्स्टरडैम में जाओगे समर के टाइम जब कुछ काम ही नहीं होता है तो जम जाता है क्या वही होगा वो जो क्या बोलते हैं उसे कैटफिश अंडरग्राउंड है खबल है बहुत पॉपुलर हो यहाँ पे सबसे ऊंचा कौन सा बिल्डिंग है शायद से यही ये वाला 13 फ्लोर है वो शायद उससे ऊंचा है दादा ये पहला था ये अभी बना है क्योंकि डेल्फ में मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो रहता है हाईएस्ट शायद 23 या 24 है 23 इधर वो ही MCS वाला वो शायद सबसे बड़ा है होल्डर डेल्फ वही है डेल्फ सिटी बहुत ही छोटा है मतलब बहुत ही छोटा बट पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है हाँ हाँ आइंडहोवन बहुत बड़ा है बहुत बड़ा नहीं है मतलब डेट के कंपैरिजन एक बार कैंपस के अंदर घूमना है फिर आके ऑफिस जाने को कहीं भी जा सकते हैं कुछ है अरे चलो ना फिर से ऊपर जाके कौन आएगा चलो लिफ्ट से तो जाना है चलो ना फिर चलो फिर ऐसे आके आ जाएंगे क्या भारी हो रहा है क्या बैग ये पूरा बोला था अंदर पहले चलने वाले हाँ आते वक्त अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं बट 20 भी लोकेशन वाइज बहुत आइसोलेटेड है ना लैंडस्केप है जहाँ पे है वो छोटा वो चीज़ मैं बहुत लोगों से सुना हूँ मतलब यूनिवर्सिटी वाइज ठीक है बट मेन बात ये है कि 20 है उसके बाजू में एक CWI का इंस्टीट्यूट हाँ 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 तो हम बहुत सारे और भी रिसर्चर्स काम करते हैं जो ये सारे घर हैं क्या या ये भी यूनिवर्सिटी ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम क्या है भूल गया दिखे में नहीं इंग्लिश सब टाइटल डालेंगे बट सब टाइटल डालने में बहुत टाइम लगता है इतना भी नहीं है तुम्हारे जैसा मेरा बहुत ही मतलब अरे वो गूगल में नहीं आता
कौन सा है? एच शेप में बिल्डिंग में हाँ वो हेलिक्स ये हेलिक्स आ गया ये ना ये एच शेप में ड्रोन से कभी देखी तो वहाँ पे हर रूम नंबर डबल है 216A 216B ऐसा नहीं था बहुत कंफ्यूजन होता है ये वाले बिल्डिंग में ऊपर से देखोगे तो एच दिखेगा एच शेप वो फ्लक्स है दिखता और एच के लिए बिल्डिंग मेरा ऑफिस कर दिया ये सामने बट ये आर्टिफिशियल पेड़ है या रियल आर्टिफिशियल जैसे मुझे लगा क्या ये पेड़ ऐसे लगे कि मुझे लगा आर्टिफिशियल नहीं नहीं ऐसे झड़ गए ये समर में बहुत हो जाते ये कौन सा बिल्डिंग है ये भी नहीं ये वही कंटिन्यू बिल्डिंग है मैकेनिकल ये इलेक्ट्रिकल एक्चुअली खाली मैकेनिकल नहीं है मैकेनिकल मिक्स है वो इलेक्ट्रिकल इनोवेशन स्पेस था फिलिक्स ये मस्त है फोल्डिंग बाइक्स पकड़ के कहीं भी चले गए स्टार्टिंग में सोच रहा था खरीदूंगा फिर लोगों ने बोला कि अगर तुम स्लोप्स चढ़ रहे हो तो उसके लिए दैट्स नॉट दैट गुड मतलब पैडल बहुत मारना पड़ेगा तुम्हें चक्का बहुत छोटा रहेगा और ऐसे थोड़ा देर जाना है मतलब सपोज जॉब कर रहे हो उतर गए और थोड़ी एक किलोमीटर तो ठीक है बट यहाँ पे भी है क्या फॉन्टिस ओ यही है क्या वो जो फॉन्टिस का अप्लाइड साइंस फॉन्टिस के 6-7 बिल्डिंग टीवी से ज़्यादा बिल्डिंग क्योंकि आइंडहोवन में एक था अप्लाइड साइंस का वो यही वाला है या अलग है नीचे वाला ये वही है क्या अप्लाइड साइंस वाला या अलग है नहीं ये नहीं आगे है वो क्या फॉन्टिस बोल रहे हैं कौन सा फॉन्टिस फॉन्टिस साइंस पार्क यहाँ पीछे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स था लेकिन बंद हो गया माइक्रोफैब वीकडेज में तो ये भरा पड़ता भरा रहता होगा ना साइकिल स्टैंड देख लो भाई जिसको आना है साइकिल चलाओगे यहाँ पर बेस्ट चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ये दो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ये है और वो दिख रहा है वो कौन सा ये वाला वाइट मैं हम के बारे में और ये रेसिडेंशियल ये कॉस्टली है 800 ये नहीं जान समझ नहीं सकते मतलब पर मंथ उसके प्राइवेट स्टूडियो और वो वाला 400 और फिर अलाउंस मिल के तुम्हारा 400 या 500 ऐसा कुछ होता है 400 के ऊपर अलाउंस मिल के 200 नहीं होगा नहीं 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 वो तो बेसिक रहता है ना बेसिक हाँ बेसिक रहता है क्यों हमारे टाइम वही था मतलब मेरा था 480 और अलाउंस होने के बाद मुझे मिल रहा था 380 ऐसे कुछ मतलब 380 में दे रहा था पर मंथ 2015 से 2017 के अंदर बट वो सिटी सेंटर से दूर था बोल के उतना था जो लोग यूनिवर्सिटी के पास रहते थे वो 500-600 देते थे आफ्टर अला मैं रहता था 3.5 किलोमीटर दूर तो उसी लिए उतना पड़ता था वो ये भी कैमलॉट कैमलॉट एक है ना हाउसिंग एजेंसी हाँ वहाँ पे डेवलपमेंट वो चलता है वो करके कैमलॉट का भी अभी एक नया अपार्टमेंट खुला था डेल्फ में मैं आने से पहले और वो भाई बहुत एक्सपेंसिव था मतलब फैसिलिटी सारे दिए हैं बट रूम छोटा छोटा है और प्राइस था शायद 700 या 650 ऐसे कुछ बट ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर है बट यहाँ पे किसका रूम है तुम्हारा नहीं यहाँ पे कुछ कार्ड नहीं चाहिए भैया ऊपर जाने के लिए ऑफिस ऊपर जाने के लिए चाहिए आपके ऑफिस वो तो सही है तो ऑफिस इसी के ऊपर ही है क्या मतलब पूरा यूनिवर्सिटी क्या है कि फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टेड है ओके
तो डायरेक्ट कमरे से निकले गए क्लास। अरे ये तो बढ़िया, मैं रहता हूँ। अरे अभी लेना, नहीं नहीं तुम्हारा घर का डिटेल्स नहीं डालेंगे, मैं अपना खुद का नहीं डाला हूँ। घर का डिटेल्स कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं यहीं पे क्लास होता है, यहाँ पे भी सब लेक्चर्स में, मतलब घर से डायरेक्ट पैंट पहन। अरे भाई ये चीज़ बढ़िया, ये चीज़ डेल्स में नहीं मिलेगा तुम्हें। फर्स्ट फ्लोर के थ्रू पूरा यूनिवर्सिटी का, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये लेक्चर मैंने नीचे क्लास है, तो ये चीज़ डल बालों को सीखना जरूरी है। यहाँ पे हेयर पार्लर है, यहाँ पे अभी हम यूनिवर्सिटी के यहाँ पे क्लास रहता है। हाँ ये नीचे, और ये महंगा होगा सर ग्रॉसरी? हाँ थोड़ा महंगा है, मतलब इमरजेंसी में काम आ जाएगा। और लेकिन दूध से हमें, दूध हर जगह सस्ता होगा। ये लेक्चर सुन, ओ लेक्चर ये अच्छा है, इंटरकनेक्टेड। अरे बढ़िया, ऊपर घर रहते हैं। और अभी हम लोग लाइब्रेरी की तरफ जाएं, ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड फ्रॉम 10 to 10। तो अभी अगर ये ओपन नहीं होगा तो कार्ड चलेगा या कैसा है? ये ओपन नहीं होगा तो फिर ग्राउंड फ्लोर से जाके होगा, शायद कार्ड भी नहीं चलेगा। ओह ठीक है, यहाँ पे कार्ड स्लॉट नहीं, यहाँ पे तो स्लॉट ही नहीं है। ये सब नया बना है शायद, नया मतलब 5-10 साल, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा। नहीं ये नया कैंपस है। हाँ हाँ 1960s में बना था, लेकिन ये तो बहुत ही मतलब एक घंटे का वीडियो बनेगा। अरे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, सही लगा, मतलब इंटरकनेक्ट। यहाँ पे जैसा मौसम रहता है ना, मतलब कभी मन नहीं किया, बारिश हो रहा है, ये हो रहा है, तुम कहीं आ गए, कितना मस्त है। मतलब बहुत बेनिफिट है, ये चीज़ ज़रूरी है भाई। स्टाफ रूम भी जो लूना लिखा है वो क्या है, ऑफिस? ये वाला साइलेंस है, नीचे वाला साइलेंस है, और उसके नीचे वाला पूरा डीप साइलेंस, मतलब टोटली ऐसा मारबन ही नहीं। नीचे में मारबन कर सकते, ऊपर में बात कर सकते नॉर्मल। तो उस साइड जाओगे तो बाहर लेक्चर रूम है, ये मेटाफोरम का बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम मेटाफोरम, इसका 1-1 और 0 तीन जो फ्लोर है वो लाइब्रेरी को दिया गया है, बाकी ऊपर ऑफिस है। और उसके ऊपर रूम्स, लेक्चर रूम्स वो लूना नहीं, तुम्हारे रहने का रूम वो लूना में थे, ये अब अपन मेटाफोरम में आ गए। ओके, पूरा कनेक्टेड है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, बट उस टाइम अपन अलग बिल्डिंग में थे, ये अपन अलग बिल्डिंग में आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है डेटा मीन माइनिंग डेटाबेस। What are you doing? You're a Chinese messenger.
Yes, I'm doing some stuff. So you guys don't use WhatsApp in China, right? Yeah, no, us.